आज हम सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत नवगई सेकंड ग्राम पंचायत के थपना में आए हुए हैं। ग्राम पंचायत माने थपना में बड़ा टावर लाइन का काम चल रहा है, जो कि यहां लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें काफी धांधली की जा रही है। इसका जो पावा बनाया गया है, पावा बहुत कमजोर है, पावा अभी से भसकना शुरू हो गया है। यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें थर्ड क्वालिटी का काम किया जा रहा है एवं लोगों का मुआवजा भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ ही यहाँ के कुछ ग्रामीण बने हुए हैं जिनके जमीन में ये टावर गड़ रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या समस्या है, क्या समस्या है जिसको लेकर इसका काम आपके। समस्या यही है कि धांधलीबाजी कर रहे हैं इसमें। देखिए वो रात दिखाई दे रहा है, इसमें सीमेंट बेच लिए हैं, बालू और गिट्टी डाल के खड़ा किए हैं, भसक रहा है अभी, भविष्य में ये गिर भी सकता है। इसका मुआवजा भी ढंग से नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं 16 से 18 लाख मिलेगा और दे हैं 3,05,000। तो अभी इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? हम इसके बारे में यही चाहते हैं कि हमारा मुआवजा और फसल की नुकसानी और जो उन जमीन में पत्थर छीटते हैं इसको सुधार दें और मुआवजा हमारा दे दें, तब काम चालू करें। देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसका जो पावा बेस बनाया गया है वो काफी कमजोर है, जिसकी वजह से अभी से भसकना शुरू हो गया है, जबकि अभी ये पावर लाइन जो है चालू नहीं हुई है और ये भसकना शुरू हो गया है। यानी काफी दहशत है लोगों में कि ये पावा अगर कमजोर होने की वजह से कभी ध्वस्त होता है और इसमें पावर सप्लाई रहती है तो काफी क्षति हो सकता है। हमारे साथ और ग्रामीण बने हुए हैं, आइए इनसे मुलाकात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है। इनको मैं मना किया था कि हमारे प्लाट में अर्थिंग ना डालें, अर्थिंग जबरदस्ती सरहंगई बस अर्थिंग डाल के चले गए और पावा का काम उस समय कर रहे थे। उस समय भी बहुत हम इनसे बोले थे इसका काम जो करिए हमारे घर के पास है, हमारे दोनों घर के बीच में है तो हमारे बच्चे लोग इधर से गुजरेंगे, माल मवेशी गुजरेंगी, तो काम इसका ढंग से करवाइए। काम लोकल करवा के ये पावा कंक्रीट कर दिए हैं, जिसके वजह से भविष्य में इसका ज़्यादा क्षतिग्रस्त होगा और पावा टूटने का संभावना पाई जा रही है। जब अभी से टूट रहा है, अभी कुछ काम नहीं हुआ है, अभी से टूट रहा है तो आगे चल के कितना जल्दी टूटेगा, क्या होगा इसके बारे में शासन ही इसकी इंक्वायरी कर सकती है। हमें अब इसके बारे में वो नहीं जानकारी ज़्यादा है, पर हमारे नुकसान भी नहीं दे रहे हैं, काम भी इसी तरह से कर रहे हैं तो भविष्य आगे चल के अंधकारमय भविष्य हम लोगों का या यहाँ के वासियों का रहेगा। देखिए इनका कहना है कि जो पावा के बेस के बारे में इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि काफी कमजोर किया गया है, जिसके वजह से वो अभी से ध्वस्त होना शुरू हो गया है, जबकि अभी पावर सप्लाई नहीं दिया गया है। मुआवजा को लेकर इनका कहना है कि इनके जमीन में इसका अर्थ दिया गया है जिससे फसल नुकसानी हुई है, इनके द्वारा उसका बीमा कराया गया था लेकिन बीमा कंपनी भी अब इनको उसका बीमा देने से मना कर रही है, लेकिन ये टावर लाइन के ठेकेदार या कंपनी द्वारा इनको सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ये उस पर इनके द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। ये सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के अंतर्गत नवगई सेकंड ग्राम पंचायत के थपना का मामला है। जैसा कि इस गांव में कई ऐसे टावर बने हुए हैं जहां धांधली की जा रही है मुआवजे को लेकर और सही तरीके से काम नहीं कराया जा रहा है। कैमरामैन कंचन द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, टुडे 24 न्यूज, सिंगरौली।